ये तो आप जानते होंगे कि हरी सब्जियों के कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप हरी सब्जियों से ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो उसे आपको खास तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, आज के एपिसोड में आपको ओकरा यानी कि लेडी फिंगर के बारे में बताने वाला हूँ। इसे आम भाषा में भिंडी भी कहा जाता है। हम में से कई लोगों को भिंडी खाना बहुत ही पसंद होगा। मैं आपको बता दूँ कि भिंडी एक सुपर फूड है, ये महिलाओं के लिए एक वरदान है। अगर आप इसे खास तरीके से बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है, कुछ ही हफ्तों में आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। मैं आपको बता दूँ कि भिंडी में विटामिन बी, सी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा इसमें ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि महिलाओं के इररेगुलर पीरियड, हैवी ब्लीडिंग, क्लॉटिंग, पीसीओडी, अंडे ना बनना, एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड, डायबिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कई सारे प्रॉब्लम को ठीक करके जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, स्टडी ये बताती है कि ओकरा यानी कि भिंडी का इस्तेमाल करने से महिलाओं में ओवुलेशन बूस्ट होता है, जिससे अंडे ज़्यादा फूटते हैं, जिससे महिलाओं को जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, अंडे नहीं फूटते हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं, या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो भिंडी आपके लिए एक वरदान के जैसा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस भिंडी को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। इस नुस्खे को बनाने के लिए बस आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक भिंडी, दूसरा पानी, तीसरा ग्लास। सबसे पहले आपको 3 से 4 भिंडी लेना है, उसे आपको बीच से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। फिर आपको एक स्टील के ग्लास में या शीशे के ग्लास में पानी लेना है, उसमें आपको उस कटे हुए भिंडी को पानी के साथ डालकर ढककर रात भर आपको उसी तरीके से छोड़कर रख देना है। सुबह उठने के बाद इसे आपको छानकर इसके पानी को सुबह खाली पेट में आपको पीना है, क्योंकि खाली पेट में पीने से आपको इससे ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। इसे आपको पीरियड ख़त्म होने के बाद लगातार 7 दिनों तक पीना है। अगर आपके पीरियड आज ख़त्म हुई है तो इसे आपको कल से पीना शुरू करना है, लगातार आपको 7 दिनों तक पीना है, फिर आपको पीना बंद कर देना है। फिर जब आपकी अगली पीरियड आएगी, पीरियड आकर ख़त्म होगी, फिर उसी तरह से आपको लगातार 7 दिनों तक पीना है, फिर आपको इसे पीना बंद कर देना है। इसी तरीके से आपको 1 से 2 या 3 बार करना है, आपको इसका फायदा मिल जाएगा, आप प्रेगनेंसी तुरंत कंसीव कर लेंगी। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या इससे कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं। देखिए, ये 100% नेचुरल है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होता है। लेकिन अगर आपको भिंडी से एलर्जी है, या इसे पीने के बाद आपके पेट में भारीपन लगता है, या आपको उल्टियाँ हो जाती है, तो इसे आपको पीना बंद कर देना है। ये नुस्खा आपके लिए नहीं है, आपको दूसरे नुस्खे का इस्तेमाल करना है। मेरे चैनल पर आपको कई घरेलू उसके मिल जाएंगे जिससे आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो आप चाहे तो हमारी उन सारी वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या हम भिंडी को सब्जी बनाकर या रोस्ट करके खा सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप भिंडी को रोस्ट करके या सब्जी बनाकर खाते हैं तो इसमें जो मौजूदा तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो रोस्ट करने के बाद या पकाने के बाद 50 से 60% ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ये रिकमेंड आपको करते हैं कि आपको इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा, तभी आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। सो आई होप कि ये खास नुस्खा आपके लिए बेहद यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे जिससे देखकर आप नेचुरली जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।